नवादा में पति ने की पत्नी की हत्या, महिला का भाई बोला बहन करती थी अवैध संबंध। नवादा जिले के नारदीगंज थाना क्षेत्र के पड़रिया गांव से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां अवैध संबंध के विरोध में एक पति ने अपनी पत्नी का ही गला दबाकर हत्या कर दी। देर रात मंगलवार को सुबह की घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद महिला के ससुराल वाले फरार हो गए और महिला के भाई बिरजू चौधरी ने अपने जीजा पर हत्या का आरोप लगाया और पूरी बात बताई है। बिरजू चौधरी ने कहा कि उसकी बहन रंजू उसकी पति उमेश चौधरी ने ही मार डाला। हत्या के बाद सभी ससुराल के लोग छोड़कर फरार हो गए। मेरी बहन का गला दबाकर हत्या की गई और उसने कहा कि उसके जीजा जी एक लड़की से अवैध संबंध है और उसकी बहन विरोध करती थी तो उसकी पिटाई की जाती और अंत में उसके जीजा ने रास्ते से हटाने के लिए गला दबाकर हत्या कर दी और फरार हो गए। बताया जा रहा है कि ससुराल के अन्य लोग भी इस हत्या में शामिल हैं। अभी पुलिस इस मामले की जांच कर रही है लेकिन अब तक कोई भी गिरफ्तार नहीं हो पाया है। पुलिस इन लोगों को पकड़ने की लगातार कोशिश कर रही है क्योंकि पति भी फरार है और पति के साथ में उसके परिवार वाले भी इसमें शामिल है और वो भी घर से फरार है।